आज अपन बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट टॉपिक की, यानी अपन बात कर रहे कहां पिछले वीडियो तक अपन पहुंच गए थे, जो लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन दोनों में से कोई सा भी देख लो, दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी। यहाँ पे लैंगिक जनन की अपन मेनली बात कर रहे थे, इसमें अपन क्या क्या देख चुके थे। युग्मक देख चुके थे अपन, यहाँ पे जनक देख चुके थे, युग्मक देख चुके थे अपन, ठीक है ना। और युग्मक के बाद में अपने पास में क्या रहा था, अर्धसूत्री विभाजन था। अर्धसूत्री विभाजन अपन देख चुके थे। निषेचन क्या चीज होती है, ये कौन सा खेल होता है, इसके बारे में भी अपन जानकारी ले चुके थे। अब अपने बाद में निषेचन के बाद में क्या आता है, निषेचन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है युग्मनज, ठीक है ना। युग्मनज या अपन क्या बोल सकते हैं, युग्मनज। युग्मनज से शुरू करें तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। युग्मनज क्या है, निषेचन उपरांत बनी हुई द्विगुणित कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। निषेचन उपरांत, निषेचन, ठीक है ना, निषेचन उपरांत, उपरांत का मतलब होता है उसके बाद में, उपरांत बनी द्विगुणित कोशिका, बनी द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित जो कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका हो, द्विगुणित कोशिका को क्या बोलते हैं बेटा, युग्मनज। कोशिका को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं भाई, द्विगुणित कोशिका युग्मनज कहते हैं। ये तो रही आपकी युग्मनज की परिभाषा, कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा कि युग्मनज के बाद में, युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज में विदलन होता है बेटा। क्या होता है, विदलन होता है। अब विदलन के कौन सा है, विदलन क्या चीज होती है, ये भी मैं क्लियर करूंगा आप लोगों का, क्योंकि विदलन को इंग्लिश में क्लेवेज बोलते हैं और विदलन काफी कंफ्यूज भी रहता है। और विदलन से क्या होता है, फिर आगे इनकी अवस्थाएं होती है कौन सी, मोरूला, ठीक है ना, मोरूला अवस्था। मोरूला के बाद में कौन सी जाती है, मोरूला। मोरूला के बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला, अगर प्राणी है तो, और नहीं है तो उसके बाद में क्या बन जाता है, भ्रूण का निर्माण। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखना चाहो, प्लांट और एनिमल की दोनों की बात करें, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण क्या है, एक प्रकार की संतति, क्या बेटा, एक प्रकार की संतति। तो बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भ्रूण से किसका निर्माण हो जाता है, संतति का निर्माण हो जाता है। तो ये तो रही सिंपल सी चीज। अब भ्रूण में जो संतति होती है वो जनकों के क्या होती है, अगला पॉइंट होती है, संतति कैसी होती है, भिन्न प्राप्त होती है लैंगिक जनन में, उस भिन्नता, ठीक है ना, भिन्न होती है या उस भिन्नता का क्या कारण होता है। इंग्लिश में से विभिन्नता या भिन्नता को क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन भिन्नता कहां से आती है, तो मैं बता दूं कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन जो रहता है, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा, फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, कौन सी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट की उपरावस्था, उपरावस्था का नाम क्या है यहां पे, प्रोफेज फर्स्ट की उपरावस्था। तीन नंबर कौन सी है, पेकाइटिन। पेकाइटिन को पेचिटिन भी बोला जाता है, पेकाइटिन या पेचिटिन में कौन सी क्रिया होती है, इस पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, कौन सी क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेसिंग या क्रिया के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, जीन विनिमय, जीन विनिमय की, जीन विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। जीन, जीन क्या होती है, वो जेनेटिक्स की यूनिट, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, इसको किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। तो जीनों का लेन देन यानी आदान प्रदान करना क्या क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। कौन सी अवस्था में होती है, प्रोफेज में। और उपरावस्था कौन सी रहती है, ये तो है अवस्था कोशिका विभाजन की, ये तो क्या है, अवस्था, इसका नाम, ये तो कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्था है और ये इसकी उपरावस्था है। तो आप लोगों को यहाँ पे अवस्था और उपरावस्था का भी ध्यान रखना है। पेचिटिन या कौन सी है, पेकाइटिन। पेचिटिन या कौन सी है, पेकाइटिन है। और इसमें क्रिया होती है क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर क्या है ये जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा आप लोगों को लिए मैं यहां लिख देता हूं। क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा, समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के, ठीक है ना, गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिडो का, क्रोमेटिडो का क्या करना, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिडो का आपस में, ठीक है ना, आपस में जीनों का आदान प्रदान, जीनों का
आदान और प्रदान, ये लो भाई, आदान व प्रदान करना, प्रदान करना, आदान प्रदान का मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन क्या कहलाता है यहाँ पे, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। अब अपन जानते ही नहीं है समझात गुण सूत्र कौन से होते हैं, ठीक है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, और ये किस प्रकार से जीनों का आदान प्रदान करते हैं, जीन कहाँ पे होते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये क्रोमोसोम हो गया पेयर और ये हो गया पेयर क्रोमोसोम, तो ये आपस में क्या है बेटा, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो किसका है, समझाता हूँ लोग का, समझात, ये आपस में क्या है, समझात गुणसूत्र है, इनका रिलेशन क्या है, समझाते गुणसूत्र का। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये तो दोनों क्रोमेटिड है, देखो ये एक पूरा का पूरा क्या है, क्रोमेटिड है, और ये पूरा का पूरा क्या है, क्रोमेटिड है। क्वेश्चन जेईटी में आया हुआ भाई, पूछा था एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, एक और ये दो, बच्चे काउंट करते से हम लोग पढ़ाते तो हम लोग बताते एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो बच्चे खुद अंडरस्टूड हो जाते हैं, एक और दो ये हो गए, तो दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, और पहले ऑप्शन में चार दे रखा था, अधिकतम बच्चों का गलत जाने का कारण ये था। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ये कितने क्रोमेटिड है, दो दो क्रोमेटिड है, और इसमें भी कितने हैं, दो क्रोमेटिड है। बेटा ये क्रोमेटिड को अपन अर्ध गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, ए क्रोमेटिड को अपन क्या बोल सकते हैं, अर्ध गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। तो इन्हें एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कहलाएंगे। देखो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, और ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, एक ही क्रोमोसोम के दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन एक ही क्रोमोसोम के तो आपस में सिस्टर है, लेकिन दो क्रोमोसोमों के आपस में क्या है, यहाँ पे नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्या है, यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, बोलो कोई दिक्कत, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब होता क्या है कि पेकार्टिन अवस्था में इनकी जो पोजीशन रहती है ना वो इस तरीके से रहती है, यानी ये दोनों होते हैं वो कैसे रहते हैं, अटैच रहते हैं, ये दोनों कैसे रहते हैं, इस तरीके से अटैच रहते हैं। तो इसके जो जीन होते हैं, जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, जिस स्थान पर जीन उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, लोकस कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोकस, और रेखीय क्रम में कैसे ऐसे लगे होते हैं जीन, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम में ऐसे लगे होते हैं। जीन पेयर के रूप में होते हैं, बोले तो किस रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं। अब होगा क्या, जैसे मान लो इसमें यहाँ पे इस तरीके से क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है, इसमें भी इस तरीके से क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है, तो इसके जीन तो इस पर ये आपस में जब चिपकते हैं, अरे सपोज दैट अपन मान लो कि इसके कोई पेपर चिपका है, कोई दीवार है, ठीक है ना, अपने कड़ी की हुई दीवार है, उसके ऊपर अपन मान लो टाइम टेबल चिपकाते हैं, पढ़ने का टाइम टेबल चिपका दे, या नोट्स है, या कोई फॉर्मूला चिपका देते हैं, फिर अपन को वापस उसको उतारना होता है, तो उतार दो तो कुछ कड़ी का भाग या चुनने का भाग किस पर आ जाएगा, पेपर पे, और कुछ पेपर का भाग कहाँ रह जाएगा, दीवार के ऊपर। ऐसा ही है जब ये क्या करते हैं, इसके कुछ कुछ गुणसूत्र, गुणसूत्र के कुछ भाग, बोले तो कुछ जीन इसके इस पे और इसके इस पे, यानी आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसे ही तो क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। और ऐसी पोजीशन रहती है कौन सी अवस्था में, पेकार्टिन अवस्था में, ये है भाई पेकार्टिन अवस्था, ये है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर, यानी आपको डायग्राम देखे भी पूछ लेना कि ये क्या कर रहे हैं, बोले साहब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय कर रहे हैं। इसके कारण गुणसूत्रों में जीन इधर के इधर हो रहे हैं, नए जीन आ रहे हैं, या जीनों का क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, इसीलिए क्या होते हैं यहाँ पे नए लक्षण, यानी भिन्नताएं आती है, या यूं कह सकते हैं नए लक्षण आते हैं, क्या आते हैं, नए लक्षण यहाँ पे आते हैं, नए लक्षण आते हैं, यानी संतति में नए लक्षण आते हैं, कहां से आते हैं, या यूं कह सकते हैं पैदा होते हैं, तो उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी रहता है, किसमें रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो गया, ये एक जटिल प्रकार का है, अंतिम पॉइंट बेटा, अंतिम पॉइंट है कि ये एक प्रकार, इधर लिख देता हूं मैं, ये किस प्रकार का है, जटिलता, ठीक है ना, जटिल प्रकार का है, बिल्कुल साफ जटिल प्रकार का है। कैसे है जटिल प्रकार का, आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जैसे मान लो ये कोई प्राणी है, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा भाग टूटा, या ये कोई मान लो प्लेन एरिया में ऐसे तो होता है, छोटा सा भाग टूटा, नया जीव तैयार हो जाता है, अमीबा में भी ऐसे ही होता है, या मान लो कि डाफनी में भी ऐसे ही देखने को मिलता है उसके परिणाम स्तंभों से, या फिर अगर आप बात करें कि जैसे मान लो प्लांट की बात करें तो उसमें भी उसकी टहनी टूटी और टूटी तो उससे क्या हो जाता है, नया पादप तैयार हो जाता है।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जटिल प्रोसेस है, उसमें क्या होना, इतनी सारी क्रियाएं गुजरनी पड़ती है, और कहीं भी अगर डिफॉल्टिंग रहा, निषेचन भी अगर ढंग से नहीं हुआ ना, तो भी अगर निषेचन नहीं हुआ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, संतति तैयार नहीं होगी, और होगी अगर मान लो किसी केस में होते भी है तो वो डिसऑर्डर होगी, यानी उसमें क्या होगा, किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें एक लंबा समय गुजारना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, एक लंबे समय से, ठीक है ना, लंबे समय तक बहुत सारी क्रियाओं से, ठीक है ना, अधिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, पड़ता है। लो भाई, ये इसमें क्या होती है, जटिलता। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, अब अगला टॉपिक अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा, कि लैंगिक जनन के आधार पर यहाँ पे इसके जीवों के प्रकार या जीवन की अवस्थाएं अपन देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अब मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसके, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड ही, अपन कुछ जीवन की अवस्थाओं को देखते हैं, और मजेदार टॉपिक है वो इसका, जो आईसीआर में भी है, नेट में भी है, और आपके 12th के सिलेबस में भी मिलेगा, 12th का जो सिलेबस है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर लें उनके लिए वरदान साबित होगा, तो आप लोग इसको देखें, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन देख रहे हैं, यानी लैंगिक जनन के आधार पर या जनन के आधार पर ठीक है ना, जीवन की अवस्थाएं, जनन के आधार पर किसकी अवस्थाएं बेटा, जीवन की अवस्थाएं, अवस्थाएं, ठीक है ना, जीवन की अवस्थाएं किसके आधार पर, जनन के आधार पर। इन अवस्थाओं को अपन यहाँ पे कितने भागों में बांट रहे हैं, अपन तीन भागों में बांट रहे हैं, कितने भागों में बांट रहे बेटा, तीन भागों में। पहली कौन सी है, पहली है कौन सी, बाल्यावस्था, कौन सी है, बाल्यावस्था, ठीक है ना, बाल्यावस्था, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कायिक अवस्था, कायिक अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था का नाम लिख देता हूं, दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था, या फिर इसके दो दूसरे नाम देते हैं, कौन कौन से देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको अपन देते हैं प्रजनन अवस्था, वयस्क या दूसरा पुष्पन, ओके। और अगली जो अंतिम अवस्था है जीवन की, वो होती है कौन सी, जरावस्था और वृद्धा अवस्था। अपन देखेंगे यहाँ पे कौन सी, एक तो हो जाएगी वृद्धा, वृद्ध होता है ना डोगरा, वृद्धावस्था, और या फिर इसे क्या बोलेंगे, जरावस्था को शॉर्ट में ऐसे डायरेक्ट लिखते तो जरावस्था ही लिखा जाता है, ठीक है ना। पहली कौन सी है, बाल्यावस्था। देखो इसमें ये जो बाल्यावस्था शब्द है ये किसके लिए यूज होता है, प्राणियों में, इस अवस्था को प्राणियों में किस नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था, और पादपों में किस नाम से जानते हैं, पादपों में किस नाम से जानते हैं, कायिक अवस्था के नाम। इसी तरीके से प्राणियों में किस नाम से जानते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव फेज को, प्राणियों में किस नाम से जानते हैं, वयस्क, और पुष्पन ये किस में जानते हैं, पादपों में रिप्रोडक्टिव फेज को किस नाम से जानते हैं, फ्लावरिंग के नाम से, और प्राणियों में यहाँ पे, ठीक है ना, प्राणियों में यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, वृद्धावस्था, और पादपों में इसको किस नाम से जानते हैं, जरा अवस्था में। होता क्या है एक्चुअली इनमें, होता क्या है, होता ये है कि ये दोनों में, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, कॉमन बात होगी यहाँ पे, पादप हो या प्राणी हो, इसमें क्या करता है कि जीव, ठीक है ना, जीव या सजीव कर दूं और अच्छा लगेगा, सजीव क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करके, ठीक है ना, शरीर विकास, पहले पोषण ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करके क्या करेगा, शरीर विकास करेगा, शरीर का डेवलपमेंट करेगा, विकास व वृद्धि करता है, और क्या करता है, शरीर को जनन के सक्षम बनाता है, शरीर को जनन के क्या बनाता है, जनन के सक्षम बनाता है, शरीर के जनन के क्या बनाता है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल बनाता है बॉडी को। तो ये दोनों तीनों फैक्टर मैंने बताता है,
जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है, कोई बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, पहले माँ का प्रथम स्तरीय दूध लेगा, इसे क्या बोलते हैं कोलोस्ट्रम या कीस बोलते हैं, फिर उसके बाद में वो क्या करेगा दूध लेगा 6 महीने तक, उसके बाद मान लो वो जो भी ले रहा है खान पान शुरू कर देगा, भोजन वगैरह लेगा, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कोई पोषक पदार्थ लेगा, कुल मिलाकर के वो क्या करेगा सबसे पहले तो क्या करेगा पोषण ग्रहण कर देगा, जिससे उसके शरीर का क्या होगा वृद्धि और क्या होगा विकास होगा, और एट लास्ट तक वो क्या होगा अपनी बॉडी को क्या बनाएगा जनन के सक्षम यानी प्रजनन करने के वो योग्य बनाएगा अपने आप को, कि वो खुद संतान पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर ले, इस योग्य बनाएगा इस अवस्था में। प्राणी है तो वो उसको बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के नाम से डायरेक्ट पूछा जाता है, प्राणियों में मान लो प्राणियों में जो होती है वो बाल्यावस्था में क्या होता है यही काम होता है, पादपों में कायिक अवस्था में क्या होता है बिल्कुल ये होता है, जो भी वो पादप वो क्या करेगा पोषण ग्रहण करेगा, शरीर का वृद्धि विकास करेगा और शरीर को जन्म के सक्षम बनाएगा। या शरीर का मतलब बॉडी से तो बॉडी दोनों के लिए होती है, प्लांट बॉडी भी तो होती है एनिमल बॉडी भी होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन है। अब जब वो शरीर जनन के अगर सक्षम बन ही गया है तो इस अवस्था में रिप्रोडक्टिव फेज नाम ही क्या है इसका प्रजनन अवस्था, क्या नाम है इसका प्रजनन, इसका क्या नाम था इसका था बाल्यावस्था या कायिक अवस्था, किसमें प्राणियों में किस नाम से जान रहे थे बाल्यावस्था और पादपों में किस नाम से जान रहे थे कायिक अवस्था। क्या करता है इसमें सजीव पोषण ग्रहण करता है, चाहे वो पादप हो चाहे पोषण ग्रहण करता, दूसरे स्टेप में क्या करेगा शरीर का विकास और क्या करता है बेटा वृद्धि करता है, नेक्स्ट क्या करेगा शरीर को जनन के सक्षम बनाएगा। अगली जो अपनी अवस्था वो कौन सी है, प्रजनन अवस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज है, तो इसमें क्या करेगा इसमें वो वयस्क होगा, अगर कौन होगा वयस्क, अगर वो प्राणी है तो, अगर वो पादप है तो वो क्या करेगा पुष्पन करेगा, बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे पुष्पन करेगा। अब होगा क्या यहाँ पे क्या करेगा जनन के सक्षम है तो वो जनन सक्षम है इसलिए वो क्या करेगा यानी इसमें वो क्या करेगा प्रजनन करेगा, ठीक है ना, प्रजनन करेगा और क्या करेगा प्रजनन से नई संतति, नई संतति, ठीक है ना, संतति तैयार करेगा। क्यों करता है नई संतति, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, नई संतति तैयार करेगा अपनी जाति का, किसका अपनी जाति का अस्तित्व, अपनी जाति का, अपनी जो जाति बोले तो स्पीसीज, जाति का अस्तित्व है, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, ठीक है ना, क्या करेगा रिप्रोडक्शन करेगा। अगर वह प्राणी है तो, अगर वह प्राणी है तो क्या करेगा वो प्रजनन करेगा, नई संतति क्या करेगा तैयार करेगा, क्यों करेगा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ये बात प्राणियों पे भी सेट होती है, ये बात पादपों भी सेट होती है, पादपों में वो क्या करेगा पादपों के लिए यही वाक्य यूज किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए अगर कहें तो वो क्या करेगा पुष्पन द्वारा, पुष्पन, ठीक है ना, पुष्पन द्वारा नई संतति, नई संतति, ठीक है ना, पुष्पन द्वारा क्या करेगा नई संतति तैयार करेगा, क्यों करेगा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अरे भाई फूल होता तो फूल में तो क्या होते हैं नर जननांग होते हैं और मादा जननांग होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग, उनके सर सुना होगा नर जननांग मादा जननांग जया लिया इस तरीके से सुना होगा, तो वो किस में होते हैं फूल में तो होते हैं, तो फूल लगने की क्रिया को क्या बोलते हैं पुष्पन, इंग्लिश में फ्लावर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्लोरिंग बोलते हैं, तो या पुष्प लगने की क्रिया को क्या बोलेंगे पुष्पन बोलेंगे, तो ये क्या होगा इसमें इस अवस्था में पुष्पन होगा। जब फूल बनेगा नर और मादा जननांग बनेंगे, परिपक्व होंगे, युग्मक बनाएंगे, तो क्या क्या रिप्रोडक्शन करेगा और जनन से क्या होगा नई संतति तैयार करेगा। अब यहाँ पे पादपों में इसको थोड़ा सा मैं बाद में और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वृद्धावस्था या जरावस्था। अब वृद्धावस्था शब्द वो प्राणियों में यूज किया जाता है और जरावस्था शब्द वो किसमें पादपों में यूज किया जाता है। होता क्या है इसमें क्या होगा जो भी होगा उसके शरीर के जो अंग होंगे, शरीर के जो अंग होंगे वो क्या होंगे अंगों का की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कार्य जो क्षमता या उनकी जो दक्षता रहती है क्षमता क्या हो जाती है कम हो जाती है, और अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, या अंग धीरे धीरे क्या होगा उनकी कार्य क्षमता कम होने लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे आंखों की रोशनी, ठीक है ना, आंखों
से दिखाई देना क्या हो जाएगा, दिखाई देना क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। हृदय का कार्य देख लो, लीवर का काम देख लो, पेट का देख लो, ठीक है ना। जैसे दादाजी की बात करते हैं, अरे भाई दादाजी का क्या होगा, शरीर के अंग होंगे उनके क्या होंगे, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी कम। दादाजी वो आपकी तरह दौड़ थोड़ लेते हैं, आपकी तरह तेज तेज बोल थोड़ लेते हैं, हाँ आपके जूते जरूर लगा देते हैं, ठीक है ना। आंखों में क्या होता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, उसका हार्ट काम करना, हार्ट दादाजी का हार्ट है वो कम काम करता है, हाथ पैर कम काम करते हैं, पाचन की क्रिया बोले अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं पचा सकता, जवानी में मैं मान लो भर भर बाट के सिरे के खा जाता, वो बात अलग है दादाजी, ठीक है ना, हलवे की बात हो रही है। तो यहाँ पे मतलब दिखाई देने की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, दिखाई देने की प्रक्रिया धीमी, यानी कुल मिलाकर के शरीर के अंग वो धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देंगे, रेट लास्ट तो हो सकता है कभी भी बंद भी हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरावस्था में क्या होगा, पादपों में जरावस्था सबसे पहली प्रक्रिया है क्लोरोसिस, क्या है एक टर्म चलती है बहुत बार आएगी ये भाई कॉम्पिटिशन में, क्लोरोसिस होगा, सबसे पहले क्या होगा क्लोरोसिस होगा, जरावस्था समझते हो, शरीर क्या हो जाएगा जीर्ण क्षीण, ठीक है ना, कैसा होगा जीर्ण क्षीण हो जाएगा, जीर्ण क्षीण हो जाएगा, जीर्ण क्षीण शरीर हो जाएगा, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, हरिमाहीनता, क्या बोलते हैं बेटा हरिमाहीनता बोलते हैं, हरिमाहीनता, हरिमाहीनता क्या होती है, हरिमाहीनता क्या होती है, हरिमाहीनता होती है कि पादप के हरे भागों का, पादप का जो हरे भाग होता है जनरली पता है पादप के हरे भागों का, हरे भागों का, भागों का हरा रंग नष्ट होना, हरा रंग नष्ट होना, नष्ट होना, या इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पत्तियों का पीला पड़ जाना, जो पत्तिया जो रहती है पत्तियों का पीला पड़ जाना, पीला पड़े ना जाना, ये भी क्या कहलाएगा क्लोरोसिस ही कहलाएगा, हरिमाहीनता ही कहलाएगा। तो पादपों में क्या देखने को मिलेगा, हरिमाहीनता, क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, वो अगर आपने पुराना पेड़ देखा तो वो सूखा सा बेचारा जर्सर सा, उसका तना वगैरह देखो वो मतलब जीर्ण शीर्ण स्थिति में देखने को मिलेगा, पत्तियां पीली पड़ने लग जाएगी, जटिल चर्बी प्रकार के हो जाएगी वो हो जाता, और इसमें क्या होगा वृद्धावस्था में वो आप लोग जानते हैं, दादाजी की हालत देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहता है, अब जो पुष्पन वाला है मैं उसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर सकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।